तक आपने देखा कैसे रामा भूत बनकर अघोरी बाबा का सच सामने लाने का प्रयास करता है। बाबा की भेजी खीर खराब होते ही तथाचार्य को रामा की बातों पर विश्वास हो जाता है। रामा और तथाचार्य मिलकर अघोरी की सच्चाई समझ जाते हैं। तभी अघोरी उन्हें लड़ने को ललकारता है। तथाचार्य भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं और उसी दौरान तथाचार्य की तलवार गिर जाती है और अघोरी उन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। अब आगे नहीं आचार्य, आप इस तरह हार नहीं मान सकते। यदि आज आप हार गए तो ये संपूर्ण विजयनगर की पराजय होगी। आपको जीतना ही होगा, आप इस तरह हार नहीं सकते। लड़ाई करनी होगी आपको। कैसे रामा, कैसे? शक्ति नहीं है हमें। आप इसे पीजिए। इसे पीते ही मेरी सारी भूतियां शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। अब इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं आचार्य, मैं भी आपके साथ हूँ। ये हमारे विजयनगर की सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रश्न है। जीतना तो होगा ही। याद रखिए, राष्ट्र प्रेम से बड़ा और कोई प्रेम नहीं होता, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और राष्ट्र शत्रु से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। लीजिए। आगे बढ़िए आचार्य। राजा है तो राजा की तरह लड़, राजा की तरह हमसे मुकाबला कर। उठा तलवार और कर वार। इस बाबा के साथ आए सभी आदमियों को बंदी बना लिया गया है तात्कालिक महाराज। अब कम से कम इस राज्य के भीतर तो ये हर प्रकार से शक्तिहीन है। क्या अब सब सीधा सीधा और स्पष्ट दिखाई देने लगा तुझे दुष्ट? ले जा इस दुष्ट को, डाल दो काल कोठी में। इसका दंड अब हम स्वयं सुनिश्चित करेंगे। एक ऐसा दंड जिसके पश्चात फिर इस जैसा राज्य शत्रु हमारे विजयनगर की ओर मैली दृष्टि डालने से पहले 100 बार अपने इष्ट देव को स्मरण करेगा। ले जाओ इसे। बधाई हो तात्कालिक महाराज, आपने अपना राजधर्म निभाया और इस पद और आसन की गरिमा रखी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय आपकी कर्तव्य निष्ठा देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सच में गुरु जी, क्या तो काया पलट हुई है आपकी, कैसा अद्भुत रूप दिखाया है आपने। सच गुरु जी सच, आज तो आपने चमत्कार कर दिखाया। ये चमत्कार हमारा नहीं, पंडित रामाकृष्ण का है। यदि उनकी पुण्य आत्मा ने हमारा साथ ना दिया होता तो आज हम जीवित ना होते। उनकी आत्मा ने हमारे भीतर के देशभक्त को जगाया। वाह, मरणोपरांत भी कैसी लीला रच गए अपने पंडित रामाकृष्ण। जिसने प्राण हरे उसी के प्राण बचा गए। क्या कहें,
कैसे कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शब्द नहीं है हमारे पास क्षमा मांगने के लिए। संभवतः हमसे जो भूल हुई है उसकी तो किसी लोक में भी क्षमा नहीं होगी। लज्जित हैं हम अपने किए पर। जिसे जीवन भर अपना प्रतिद्वंदी अपना शत्रु मानते आए, आपके उसी पुत्र ने हमारे प्राण बचाए। अपराधी हैं हम आप, हमें दंड दीजिए। आप जो दंड देना चाहे हमें दंड दीजिए। इस पाप के बोझ को हम सह नहीं पा रहे हैं। मारिए हमें, दंड दीजिए, मारिए हमें। सोच कर रही है अम्मा जी, लगा दीजिए दो चार लाठियां, अच्छा लगेगा हमें। धीरे मत मारिएगा, इन्हें अच्छा लगेगा। क्या कह रही है? कह रही है, कहते हैं अगर हृदय से किसी के लिए पश्चाताप करें, हृदय से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, हृदय से मृत आदमी का नाम पुकारे, तो मृत आदमी पुनः जीवित हो सकता है। काश, काश ऐसा हो सकता। हो सकता है, चलिए हमारे साथ। ये रहा रामा, ये रहे आप। पुकारिए रामा का नाम। अम्मा भी देखना चाहती है कि आपके पश्चाताप में कितनी सच्चाई है। अम्मा को पूर्ण विश्वास है कि अगर आपके पश्चाताप में थोड़ी भी सच्चाई है तो रामा अभी पुनः उठ खड़े होंगे। पुकारिए अपने संपूर्ण हृदय से, स्मरण करके हृदय से पुकारिए। अच्छा, प्रयास करते हैं। पंडित रामा कृष्णा हमारे प्रिय मित्र रामा जी। गुरु जी, रामा गुरु जी तो सच में जीवित हो गया। आप वापस आना ही पड़ा आचार्य। आपके पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि भगवान को मुझे पुनर्जीवित करने पर विवश होना ही पड़ा। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा, बहुत अच्छे। हम सबको आप पर गर्व है। एक बार फिर आपने विजयनगर को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार होने से बचा लिया। आपकी बुद्धिमता से मौत के मुँह से निकलने का कारनामा भला और कौन दिखा सकता है? मृत्यु के मुँह से बच निकलने का कारनामा, अर्थ क्या हुआ इस बात का? आप तो मर गए थे ना? अरे नहीं आचार्य, इतनी शीघ्र ये रामकृष्ण आपका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है? मरे नहीं थे? नहीं, वहाँ मृत्यु दंड से बच निकले थे। सुरक्षित, आराम से जीवित, माँ की कृपा से भूत नहीं बने थे। क्या आचार्य, जीवित व्यक्ति भी कभी भूत बन सकता है भला? नाटक था ये सब। शुद्ध रूप से मतलब कैसे हुआ ये सब? बताता हूँ आचार्य, सब बताता हूँ कैसे हुआ। उल्लू बनाया आपने हमारा। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपको बनाने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से उल्लू। क्षमा करें आचार्य, परंतु और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। प्रश्न था राष्ट्र की सुरक्षा का, विजयनगर के सम्मान का। कैसे कोई राह चलता शत्रु आकर, स्वांग रचकर, हमें मूर्ख बनाकर हमारे राज्य को अपने अधीन कर सकता है? बस इसी बात का अनुभव कराना था उन्हें कि इतना सरल नहीं ये सब। इसलिए जो सही लगा वो किया। हम आपस में जितना भी लड़े झगड़े, जितने भी मनमुटाव हो, ये हमारा निजी मामला है। कैसे इस बात का लाभ उठाने का अवसर किसी और को दे सकते हैं हम? और वो जो पदार्थ आपने हमें पीने के लिए दिया था, वो केवल जल था प्रभु। उसको पीने के बाद हमें इतनी शक्ति कैसे आ गई? वो शक्ति तो पहले से ही आपके भीतर विद्यमान थी प्रभु। मैंने तो बस केवल एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक हवा देकर उसे जगा दिया
अन्यथा सत्य तो यही है कि आपने अपनी स्वयं की शक्ति और बल से उस बाबा को पराजित किया है। अच्छा, शुरू हो गई आपकी ज्ञान वर्षा पंडित पुड़िया। यदि हमें कुछ हो जाता तो कौन इसका उत्तरदायित्व होता? अब आपको कुछ हो जाता तो क्या अंतर पड़ता है कि उसका उत्तरदायित्व कौन होता? आप कौन सा जीवित बचते ये सब देखने के लिए? और दूसरी बात, यदि आपको कुछ हो भी जाता, भगवान ना करे आपके प्राण मान चले भी जाते, तो वही होता जो अब हो रहा है। हाँ, अंतर केवल इतना होता कि आपके स्थान पर मैं होता और मेरे स्थान पर आपका भूत, और वो भी असली भूत। असली पंडित रामकृष्ण तुझे देख लेंगे। पंडित रामकृष्ण आने दे महाराज को, तुझे तेरी इस उद्दंडता का सबक ना सिखाया तो हमारा नाम भी राजगुरु तथा चार्य ने प्रतिशोध लिया जाएगा। पंडित रामकृष्ण बहुत महंगी पड़ेगी तुझे ये शत्रुता, रुक और कर प्रतीक्षा हमारे अगले प्रकोप की बार की, सर्वनाश करके रख देगा तेरा ये नथाचार्य, सब कुछ सर्वनाश कर देगा। अरे 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 पंडित रामकृष्ण, अरे इन्हें छोड़िए, ये राग तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। उसके बारे में सोचिए कि बाबा की सेना जो हमारी सीमाओं पर खड़ी है उसका क्या, उसके बारे में कुछ सोचा है? उन्हें एक प्रेम पत्र भेजना है मंत्रीवर। हाँ जी, प्रेम पत्र। जंग के लिए सब तैयार है? जी हुजूर। हुजूर हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। ये पत्र मैं आपके वजीर फुतलू बिन पिमपिम की ओर से भेज रहा हूँ। क्या है कि आपके फुतलू साहब के दोनों हाथ हमारे तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य जी के आदेश पर काट दिए गए हैं। अब क्योंकि वो कुछ भी लिखने में असमर्थ हैं, तो ये शुभ कार्य मुझे करना पड़ रहा है। वैसे मैं कौन हूँ? मुझे लोग पंडित रामकृष्ण कहते हैं। फुतलू जी ने बताया है कि आप लोग विजयनगर पर आक्रमण करने आए हैं। 100 हाथी, 500 घोड़े और 100,000 सैनिकों के साथ। बड़ी अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आइए आइए और आकर स्वयं अनुभव ले लीजिए कि मित्रों के स्वागत के लिए हम कितने विनम्र हैं और शत्रुओं को उनकी उद्दंडता का उत्तर देने के लिए कितने कठोर। आपके आक्रमण का उत्तर देने के लिए हमारी सेना संपूर्ण रूप से तैयार है और व्याकुल भी, आप सभी के टुकड़े टुकड़े करके आपके राज्य में वापस भेजने के लिए। विनम्र चुनौती है बंधुओं, विजयनगर तो छोड़िए, विजयनगर की सीमा की घास का एक तिनका भी तोड़कर दिखाइए। आपका शुभचिंतक, विजयनगर का विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण। क्या हुक्म है हुजूर? फौज को बोल दे विजयनगर पर हमला करने के लिए। अहमक, फौज के पास जाओ और उन्हें बोलो तुरंत यहाँ से निकलने के लिए, वरना सबके यहाँ से टुकड़े जाएंगे वापस। वो बैठे इंतजार कर रहे हैं हमारी धज्जियां उड़ाने का। उन्हें बोलो यहाँ से तुरंत निकले, ये तो सबके सब बेमौत मारे जाएंगे। जब तक पंडित रामकृष्णा विजयनगर में मौजूद है, विजयनगर पर काबिज का ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी जहालत है। जल्दी निकलने के लिए बोलो, जाओ। दरबार ही जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, आज कुछ भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। ये प्रसन्नता, ये संगीत, ऐसा लग रहा है किसी से भेंट करने जा रहे हैं। भेंट? किससे? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें अवश्य ही बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं किससे भेंट करने जा रहा हूँ? होगी कोई, हमें क्या पता। होगी कोई? अब होगी कोई से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? अब हमें नहीं पता, परंतु हमने आज तक आपको इस तरह तैयार होकर दरबार तो जाते हुए नहीं देखा। देखो शारदा महोदया,
आज मेरी मनस्थिति अत्यंत ही प्रफुल्लित है और मैं इसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहता, समझ लो। इसलिए तुमसे अनुरोध है कि तुम्हारी कोई भी शंका, कुशंका, खोजबीन कुछ भी हो, उसे संध्या काल के लिए सुरक्षित रख लो। क्या है कि तुमसे वाद विवाद करने में ना मुझे निद्रा आने लगती है और प्रातः काल से ही पुनः निद्रा मगन होने की मेरी तनिक भी अभिलाषा नहीं है। देखा अम्मा, प्रातः काल से हमसे वाद विवाद करने में लग गए हैं। वाद विवाद और मैं? अम्मा, मैं तो चुपचाप दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था, ये आ गई मुझसे वाद विवाद करने के लिए। क्या है? इतना सज सवर के कहाँ जा रहे हो? वो ना, ये प्रश्न तुम कर रही हो या ये? हाँ, बात को घुमाओ मत। प्रतिदिन तुम बुझे बुझे से रोती हुई सूरत लेके दरबार जाते हो और आज ये चहकना, गालों में अरुणाई, क्या रहस्य है? अम्मा, कोई विशेष बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि गत 2 दिवस से आचार्य दरबार ही नहीं आ रहे हैं, तो कोई मानसिक चिंता, कोई तनाव, कोई विवाद नहीं है। संपूर्ण दिवस प्रसन्नता में व्यतीत होता है। कथाचार्य दरबार में क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है वो? मुझे क्या पता, कहीं भी हो, मेरे दिवस तो प्रसन्नता में व्यतीत हो रहे हैं ना। अच्छा, तो ये कारण है। हाँ, और एक बात, आज मैं घर पर अल्पाहार नहीं करूँगा। मेरा विचार आज बाहर पूरी भाजी खाने का है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु हमने जो घर पे अल्पाहार बनाया है उसका क्या? उसका सेवन तो तुम ही करो, बनाया भी क्या होगा दलिया। आज मैं बाजार जाके पूरी भाजी खाऊंगा, तत्पश्चात दरबार जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मुझे भी खानी है पूरी भाजी। चल मजे करेंगे, आजा। लामत, मुझे ये वाली पुल चाहिए। अच्छा, ये सुगंध चमेली के पुष्प की है। चंपा की सुगंध है। चमेली की है। अरे चंपा की सुगंध। अरे चमेली की है। लामा देख, ये दोनों लड़ ले, चल देखते हैं। नहीं नहीं गुंडप्पे, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो उनके मध्य हमें अपनी टांग नहीं उड़ानी चाहिए। अली कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल देखते हैं, मजा आएगा। अरे नहीं, यहीं खड़ा रहे चुपचाप। इतनी बार बोल, चमेली की है। अरे चंपा की सुगंध है। क्यों विवाद कर लो, मुझे बताओ, आपकी तमतिया का निवारण मैं करूंगा। अच्छा बालक, तुम ही बताओ, इसमें से जो गंध आ रही वो चंपा के पुष्प की है या चमेली की? तो गुंडप्पा, गुंडप्पा, अरे गुंडप्पा, अरे अरे गुंडप्पा। मैं कहाँ हूँ? प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। बाहर फेंक दूंगा। है? किसे बाहर फेंक देंगे और क्यों? और आप है कौन? गुंडप्पा कहाँ है? गुंडप्पे शांत, गुंडप्पा भी पूर्ण तरह से स्वस्थ है, अंदर घंटियों से क्रीड़ा कर रहा है। मैं शंभुआ जलदस्यु शाकाल का पुत्र हूँ, बाहर फेंक दूंगा। शिव 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 शिव, आप अपने पिता को बाहर क्यों फेंक रहे हैं? मैं उन्हें नहीं फेंक रहा हूँ, अभी तो उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था। बहुत ही दुखद कहानी, लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बाहर फेंक दूंगा। अच्छा अच्छा, बाहर फेंक दूंगा आपका अटक वाक्य है। बाहर फेंक दूंगा, अच्छा है। अटक वाक्य, मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर फेंका है इसलिए वाक्य अटक गया है। पंडित रामकृष्ण, आप मेरे पिताजी से परिचित होंगे आशा करता हूँ। क्षमा करें, मुझे आपके पिता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, इसके पूर्व मैंने उनके विषय में कभी सुना भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? संपूर्ण दक्षिण भारत से श्रीलंका तक समुद्र तक शिक्षाकाल के नाम का टंक बसता है और आप कह रहे हैं आपने उनके बारे में सुना नहीं है, बाहर फेंक दूंगा। वो क्या है कि मैं भूमि पर निवास करता हूँ ना, और आपके पिता तो जलदस्यु थे, इसी कारण संभवतः अनभिज्ञ हूँ। परंतु आप कृपया करके स्पष्ट करें, आपने मेरा अपहरण अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से किया है, तो अविलंब हम उस मुख्य चर्चा पर आते हैं ताकि समय की बचत हो। क्या है कि बड़ी भूख लगी है और पूरी भाजी खाने का कार्यक्रम है। भूख? हाँ। स्वामी रामकृष्णा। स्वामी रामकृष्णा।
स्वामी। ओ स्वामी। आदेश दीजिए मालिक, उपमा गरम है। नहीं नहीं नहीं, उपमा नहीं, मुझे पूरी भाजी खानी है। स्वामी, पंडित रामकृष्ण के लिए पूरी भाजी का प्रबंध किया जाए। क्षमा कीजिए मालिक, इसमें तो पूरी सब्जी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, इस सूची में खोई की बर्फी और जलेबी का उल्लेख जरूर है, जो पंडित रामकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मुझसे संबंधित समस्त सूचना एकत्रित कर रखी है और मुझे यहाँ उठा कर ले आए। इसके पीछे इनका प्रयोजन क्या है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.